हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट एंड पॉलिटी की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, अब मैं सर को जो हमारे गेस्ट आए हैं दो तीन राज्य से, उनको फार्म का विजिट कराने वाला हूं। आइए अब हम दिखाते हैं कि फार्म में हमारा मुर्गा किस प्रकार से तैयार होता है और कौन सा फीड हम यूज़ करते हैं इसमें। आइए जितना शानदार होगा माल, जितना सफेदपन का होगा उसमें ताकत नहीं होगी, पीलापन जितना होगा दाने की क्वालिटी अच्छी है। ये पूरा फीड 100% फीड हमारे घर का फीड है, हम अपने फीड बना के अपना मुर्गा पालन करते हैं। मैं पहले वीडियो में पहले फीड बनाना बताया, फिर रॉ मटेरियल बताया, ठीक है। अब मैं फार्म में लाके फाइनल सर को रिजल्ट बता रहा हूँ। ये 40 से 42 दिन का मुर्गा है हमारा, ठीक है। और सर को मैं खुद लाइव दिखा रहा हूँ, जो हमारे सर मेहमान आए हैं दिल्ली से है, सर गुजरात से है और यूपी से है। सर आप मुर्गा देखिए कैसा मुर्गा है आपको, सर कैसा लगा? बहुत बढ़िया हमारा एफसीआर और फीड और मुर्गा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि जो हम आपको दिखाते हैं उसमें हम चिल्ला चिल्ला के लोगों से परेशान है बता बता के कि अपना खुद का फीड बनाइए, एफसीआर भी बढ़िया आता है, 500 से 1000 रुपये सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। अब ये मुर्गा है देखिए हमारा दोस्तों, लगभग 2.5 किलो का मुर्गा है, बढ़िया है। तकरीबन 3 किलो का मुर्गा है। अरे भाई जो हैवी मुर्गा है 3 किलो का भी है। और सर इसमें फीड उठा के बताइए, दिखाइए, ये हमारा देखिए सर टोटल और टोटल हमारा फीड है। ये कोई भी कंपनी वाला अगर आपसे बोलता है कि एफसीआर नहीं आता है, कोई भी कंपनी वाला बोलता है कि एफसीआर नहीं आता है या दाने से मुर्गा वजन नहीं लेता है या बीमारी आता है, तो उसके लिए ये जवाब है, हमारा उदाहरण है दोस्तों। इधर देखिए सर, सर को दिखाइए दाना, देखना सर बताइए दाना। ये टोटल हमारा मेस फीड है, अपने यहाँ पे हम फीड बनाते हैं और इसी फीड से हमारा मुर्गा तैयार है। और इसमें दोस्तों अभी मैंने ऑयल नहीं मिलाया है क्योंकि मेरे पास ऑयल खत्म हो गया था सर, ऑयल मेरे पास खत्म हो गया था जी, नहीं तो इसका वेट और ज्यादा होता। हाँ, जब हम खुद फीड बनाएंगे, घर पे फीड बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी, बेस्ट हमें रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और सर दो शब्द और आपसे बोल चाहेंगे हम कि आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा जी। रिजल्ट कैसा मिला? रिजल्ट बहुत बढ़िया है, आने वाले टाइम के अंदर हम तो दुआ करेंगे ऊपर वाला बरकत दे काम के अंदर आपके, और हमारी हौसला बढ़ाओ और लोगों का काम बढ़ाओ आप। सर आप बताइए सर से। ये अच्छा काम है। आप गुजरात से? सर जी गुजरात से, पालनपुर से जी। कैसा लगा आपके मुर्गे में, इसमें कोई अंतर है क्या? आप मार्केट से फीड खरीदते हो 3600 रुपये, हम फीड बनाते हैं 2700 रुपये में, यानी 7 से 8 रुपये 700 से 800 रुपये 50 किलो का अंतर है। हाँ बहुत अच्छा माल है सर। आइए ना देखिए, मैं 3 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ और मैंने देखा है अपने जो मेरा तजुर्बा बता रहा है, और हमेशा से लोग कहते थे, हमेशा से लोगों का कहना यह है कि भाई अगर फीड अगर बिल्कुल नॉर्मल या वैसा खिलाओगे दूसरे का तो मुर्गा बैग भी मार सकता है, लेकिन मैं मेरे सामने आज ये है, ये सब झूठ बोलते हैं। ये वो दाने वाले होते हैं जो अपना फीड बनाने के लिए या अपना फीड बेचने के लिए, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए फार्मरों को गुमराह कर रहे हैं। सीधी सच्ची बात है, फार्म हमारे सामने है जैसे कि हमें दिख भी रहा है, हालांकि होता है अगर ये 4000 या 5000 की आबादी में 10 मुर्गा अगर बैग भी मार रहा है तो हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 के 4000 का हिसाब हम देख रहे हैं कि बहुत सा मुर्गा इसमें 3 किलो का भी है और बहुत सा मुर्गा इसमें जो है एवरेजिंग सिस्टम बहुत अच्छा आ रहा है। तो मेरा तो मानने वाला मेरा, अब इसका छाती देखो, कहते हैं कि छाती नहीं बन रही, मेरे को तो दिख रहा है कि इसका छाती बिल्कुल अच्छा बन रहा है, और ये और कहते हैं कि गोल छाती नहीं होती है, ये होता है, मुझे तो नहीं लगता है, चेहरे को सुरखाई। हाँ मुझे लग रहा है कि इनमें कोई फॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और बच्चा बहुत मतलब सही चल रहा है। और मैं आई होप यू दैट यू आर सक्सेसफुल इन योर मिशन। मैं आशा करता हूँ कि आप
इस मिशन में कामयाब होंगे और बेहतर हम आपके साथ हैं और हमारे साथ आप रहे तो हम आप हमारे साथ हैं हम आपके साथ। ओके ओके थैंक यू सर। दोस्तों मिलके काम करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। दोस्तों एक ही अपील है कि घर का फीड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घाटे से बचना है, सक्सेस होना है पोल्ट्री फार्मर किसान भाइयों को, तो हमने पहल छेड़ी हुई है अपना खुद का फीड बनाए। मैं प्रैक्टिकल फीड भी बनाता हूं, अपने फार्म पे मुर्गा भी पालता हूं और फिर सर को विजिट करा के दिखाता भी हूं, अपना फीड भी दिखाता हूं और मुर्गे का रिजल्ट भी बताता हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, किसी के बातों में आने की जरूरत नहीं है, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। लोगों को फीड बेचना इसलिए बहकाते हैं लोगों को, किसानों को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।